गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आप लोग देख सकते हो मैं अभी वॉक कर रही हूँ और आज है 16 जून। मैं आज अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। वैसे तो मैं 7:30 या 8 बजे के आसपास उठती हूँ, बट आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 5 बजे उठ गई थी। तो मुझे लगा फ्रेश होके नीचे अपना घूमना उमना स्टार्ट कर देती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर वॉक करने आ गई हूँ। और मैं आज इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मे बी आज मैं वैक्सीन लगा सकती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। वैसे तो हम काफ़ी दिन से रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे, बट हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है गुड़गांव में और बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। तो आज हमारे घर के पास में ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जा रही है। वैसे हम प्राइवेट जगह पर भी देख रहे थे, बट वहाँ पर भी नहीं हो पा रहा था। तो मे बी आज मैं लगा सकती हूँ। तो अभी थोड़ी देर 7:30 के आसपास मैं जाऊंगी, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करूंगी और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में भी मुझे वैक्सीन लग जाएगी, बट देखती हूँ लगती है या नहीं लगती है। तो अभी मैं थोड़ा सा, मैंने सोचा वॉक कर लेती हूँ जब उठ गई हूँ, और थोड़ी देर में मैं जाने वाली हूँ 7 बजे। मैं अभी 6:30 के आसपास हो गया है, तो आधा घंटा और घूमूंगी। 7 बजे में भी मैं घर पर चले जाऊँगी। और वो सामने पर आपको दिख रहा है, वो है मेरी गली। अपनी गली से थोड़ा बाहर आई हूँ मैं। तो चलो, मैंने वीडियो तो स्टार्ट कर लिया है। देखती हूँ वैक्सीन लगती है नहीं लगती है, अगर लगेगी तो आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। अभी मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, फिर मैं जाती हूँ घर पे चाय वाय नाश्ता वगैरह बनाना है। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सुबह सुबह मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुहाना हो रखा है। और ये अपनी गली है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग घूम रहे हैं। थोड़ा सा मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा है क्योंकि मैं पब्लिक प्लेस में बहुत कम व्लॉगिंग करती हूँ, तो इसलिए लोग मुझे देख रहे हैं, बट कोई नहीं। ये देखिए मौसम देख रहे हो गाइज आप, बहुत ज्यादा प्यारा हो रखा है। सो गाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं वैक्सीन लगाने जाऊंगी, तो जस्ट अभी मैं वहीं से आ रही हूँ। यहाँ जहाँ पास में हमारे, मतलब यहाँ पे मंदिर है, तो मंदिर में वैक्सीन लग रही थी, बट हमें, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। वहां पे जितनी भी, मतलब वहां पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मैक्सिमम 400 से 500 तक के लोग वहां पे आए हुए हैं, और उन सब ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अब हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। मे बी शायद वो लोग बहुत जल्दी आ गए थे, शायद से 4-5 बजे के आसपास आ गए थे। मुझे लगा कि मैं थोड़ा 7-8 बजे जाऊंगी, क्योंकि मैसेज जो आया था उसमें यही लिखा हुआ था कि 7 से 8 बजे के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं जब गई वहां पे, तो वहां पे हमें मिला ही नहीं, रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ ही नहीं, तो हम वैक्सीन नहीं लगा पाए। मतलब आप लगा सकते हो, हमने इतनी बार ट्राई कर लिया वैक्सीन लगाने का, तो हम बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगा पाए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो अब देखते हैं, हमने कहीं और भी, मतलब कोई डॉक्टर है उनको भी बोला था कि अगर हो पाएगा तो हमारे लिए, मतलब टोकन होता ना, टोकन ले लेना और हमारा रजिस्ट्रेशन करवा देना। तो देखते हैं, अगर हो पाया तो बहुत जल्दी हम वैक्सीन लगा लेंगे, और अगर नहीं हो पाया तो हमें अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखो आप लोग मेरी हालत देखो, कितनी गर्मी, पसीना इतनी आ गई है क्योंकि मैं जस्ट अभी ब्रेकफास्ट बना के आई हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रही है सुबह की, और अभी मैं अपने फ्लोर में आई हूँ और आज मुझे यहाँ पूरा सफाई करना है पूरा। तो मुझे लगा थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ, सफाई करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों को, ठीक है? और हाँ, मैं आपको मौसम भी दिखाना चाहूंगी, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था। मुझे लगा शायद से धूप आ जाएगी 7-8 बजे के आसपास, क्योंकि यहाँ 7 बजे धूप आ जाती है। तो देखिए आप लोग, बाहर का मौसम कितना प्यारा हो रखा है, और उधर आपको मैं भी दिख रहा होगा थोड़ी सी हवा आ रही है, उसी साइड हवा आती है, इस साइड तो बहुत कम आती है। और नीचे है हमारे हस्बैंड जी खड़े, ये देखिए क्या कर रहे हो आप, हेलो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या है, चिड़ियाओं को दाना डालने जा रहे हैं। और देखो आजकल हम डेली चिड़ियाओं को दाना डालते हैं वहां पे, क्योंकि यहाँ पे चिड़ियाएं गिलहरी बहुत ज्यादा हैं, तो वो लोग खाना खाने आते हैं वहां पे। हमने पानी की, देख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा, पानी के जो होते हैं ना डोंगे टाइप के, वो भी रखे हुए हैं मिट्टी के, ताकि उनको पानी, आजकल तो करना चाहिए यार, गर्मियों में ऐसा करना ही चाहिए, पक्षियों को पानी अन्न कहाँ से मिलेगा। पीछे आप लोग देख सकते हैं, मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए थे क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी, तो कपड़े भी वॉश कर लिए बहुत जल्दी, और पसीना इतनी ज़्यादा आ रही है, मतलब चिपचिपाहट वाली पसीना, आपको दिख नहीं रहा होगा बट चिपचिपाहट वाली पसीना है, क्योंकि एक तो मैं किचन से आई हूँ, ऊपर थोड़ा गर्मी हो जाती है। वैक्सीन तो हम गाइस नहीं लगा पाए, बट देखते हैं आगे। मैं आप लोग को इस ब्लॉग में अपना रूटीन ही दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे लगा था अगर मैं वैक्सीन लगाऊंगी तो आज आपको वैक्सीन बताऊंगी कि
वैक्सीन के साइड इफेक्ट होंगे, मतलब यही सोचा था मैंने अगर वैक्सीन लगा लूंगी तो बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, बट नहीं हो पाया है तो मैं आप लोग के साथ आज अपना डेली रूटीन ही शेयर करूंगी। तो मॉर्निंग से नाइट का मैं डेली रूटीन शेयर करूंगी, देखूंगी कब तक का होता है क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी है, बट देखती हूँ कब तक होता है। तो चलो मिलती हूँ गाइज मैं आपको थोड़ी देर में, थोड़ा मैं तब तक यहाँ पे सफाई कर लूँ और आपको मिलूंगी थोड़ी देर बाद। ओके बाय। सो गाइस सबसे पहले मैं अपने ऑफिस की सफाई करती हूँ। तो मैंने ऑफिस में कुछ प्लांट लगा रखे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो हमने यहाँ पे सारे अंदर वाले प्लांट्स हैं, क्योंकि अगर हम बाहर देंगे तो ये सूख जाएंगे और अच्छा भी लगता है, थोड़ी सी ग्रीनरी अंदर भी होनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सो यहाँ पे मतलब ये हमारा जो क्या बोलते हैं स्लाइडर है, तो स्लाइडर पे हमने कुछ स्लाइडर पर हमने थॉट लिखने का बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे शेरो शायरी की हुई है, और ये देखो ये भी आ गए हैं, और लॉकडाउन में ना इनके बाल देखो कितने बढ़ गए हैं, ये बाल भी नहीं काट रहे हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगता जिनके इतने लंबे लंबे बाल हो, बड़े बड़े बाल हो। तो अभी सफाई मैंने कर ली है, थोड़ा सा ये आपको मेसी लग रहा हो क्योंकि कपड़े तय करने हैं, तो कपड़े मैं तय करती हूँ। तो चलो गाइस मैं थोड़ा यहाँ का काम फिनिश करती हूँ, फिर जाती हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने, 9:30 तक ब्रेकफास्ट कर लूँगी क्योंकि बना के आ गई हूँ। तो चलो मिलूंगी आपको थोड़ी देर। सो गाइस अभी 9 बज चुकी है और ये देखिए हम किसके साथ हैं, हम अपने शिवांश के साथ हैं ना बाबू, शिवांश के साथ हैं। लुक लुक हेलो कर, हेलो कर, हेलो हेलो हेलो। तो अभी 9 बज गई हैं और हम इसके साथ हैं, इसको आजकल यही चल रहा है बाहर देखना है इसको, और अभी वो देख रहा है उसके ताई कैसे व्लॉगिंग कर रही है। देखो इसको है कि बाहर घुमाओ, धूप भले धूप हो ठंड हो बट बाहर बैठ रहो, बाहर का नजारा देखने का बहुत मन होता है इसका। तुम सताना हो रहे बस, ये देखो ये देखो बजा बजा बजा। शिवांश बाय बाय, जाओ फिर बाय, जाओ टाटा। सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो जैसे कि आप लोगों ने आगे वीडियो देखी होगी मेरी, ये वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले बनाई हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया है कौन सा डे है और कौन सी डेट है वो बता दिया मैंने आपको आगे। तो 3-4 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी और आज फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर पा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे को याद भी नहीं रहा कि वीडियो मुझे कंटिन्यू करना। मैंने आपको बोला था कि मैं इवनिंग का टाइम आपको दिखाऊंगी, अपना डेली रूटीन दिखाऊंगी। उस दिन मुझे वैक्सीन लगाने जाना था जो मैं नहीं लगा पाई क्योंकि हमें टोकन नहीं मिला। तो मैंने आपको बोला था कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगी आगे, तो कंटिन्यू मैं उसे कर नहीं पाई और अगले 2-4 दिन तक मुझे याद ही नहीं रहा कि वीडियो बनाना है। और आज जो डेट है, आज है 21 जून, और आज है एकादशी। आपको पता है एकादशी निर्जला एकादशी में भी निर्जला या कुछ ऐसा एकादशी है, मंदिर में काफी दान वान करते हैं आज के दिन। और साथ ही साथ आज है मंडे, तो आज फाइनली मैंने वैक्सीन लगा ली है। जो मैं व्लॉग अपना बना रही थी वैक्सीन के लिए, तो उस टाइम तो मैं वैक्सीन नहीं लगा पाई, बट आज मैंने फाइनली वैक्सीन लगा ली है। और मेरे से गलती ये हुई, मैंने वहां पर वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि हुआ गाइस मैं सुबह ही मंदिर चली गई थी, और मंदिर जाने के बाद मतलब मे बी मंदिर के पीछे ही पुलिस चौकी के सामने पे वहां पे लग रहा था वैक्सीन। तो हम वहां पे हम मंदिर गए तो हमें पता लगा यहाँ वैक्सीन लग रहा है, तो हमने वहां पे से फटाफट से अपना टोकन वगैरह लिया। काफी ज्यादा मतलब हो जाता है ना, बिजी हो जाता है बंदा, तो ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि मैं व्लॉग बना लूं। यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं, मैंने वैक्सीन लगा ली है फाइनली। काफी दिनों से माइंड में यही था कि कब वैक्सीन लगाएं कब वैक्सीन लगाएं, तो मैंने अब लगा ही ली वैक्सीन।
तो जस्ट 10:30 के आसपास हमने वैक्सीन लगाई थी, अभी 11 बज गई है। तो देखते हैं वैक्सीन से हमें क्या असर होता है। वैसे तो लोग बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं वैक्सीन लगा के बुखार आ रहा है कई लोगों को, कई लोगों का गला सूख रहा है, कई लोगों को सिर दर्द हो रहा है, कईयों को वॉमिटिंग हो रही है। बट अभी अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने क्या, मेरे घर में दो मेम्बरों ने और लगाए, मेरे हस्बैंड और मेरी देवरानी ने, हम इन्होंने आज ही वैक्सीन लगाई है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है आगे, मतलब क्या हमें इसके इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में जरूर बताऊंगी। सो मुझे लगा यार कि मैं इस वीडियो को तीन चार दिन से ऊपर ही हो गया है तब से वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आज इस वीडियो को थोड़ा शूट कर लेती हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्म कर लेती हूँ कि मैंने वैक्सीन फाइनली लगा ली है। तो चलो अभी मैं आपको यही इन्फॉर्म करने के लिए बता रही थी, तो आगे मैं इस वीडियो में आपको अपना कंटिन्यू आज का दिखाऊंगी और पक्का दिखाऊंगी, और इस वीडियो को आज ही मैं एंड कर दूंगी। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइज अभी हो चुकी है इवनिंग का टाइम, आप लोग देख ही सकते हैं पीछे। सो अभी जो मेरा वैक्सीन लगा हुआ था तो उसका जो मतलब असर मेरे पे है, तो वो यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग का इश्यू है, इधर जाके करती हूँ। तो वैक्सीन का जो मुझे मेरे पे जो मतलब साइड इफेक्ट हुआ है वो सिर्फ ये हुआ, जिस हैंड पे मैंने लगाया था ना, इस हैंड पे, तो मेरा ये पूरा हैंड रेड करता है, मैं इसको उठा नहीं पा रही हूँ, और थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम मुझे हो गई है। और अभी देखते हैं, क्योंकि मैंने लगाया था सुबह के 10 बजे, सो अब दिखेगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि रात में ही इसका असर होता है, तो हम देखते हैं आज रात इसका क्या असर होता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि क्या हुआ था, क्योंकि मेरी ये वीडियो हो गई काफ़ी ज़्यादा लेंथ थी, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी। और अभी मतलब जो भी मेरे को वैक्सीन से थोड़ा सा साइड इफेक्ट हुआ है, बस यही हुआ है, मेरे हाथ मतलब उठा नहीं पा रही, थोड़ा दर्द हो रहा है, पूरा शोल्डर मेरा दर्द कर रहा है। और अभी रात का टाइम है और आप लोग देख सकते हैं मैं घूम रही हूँ बाहर पे, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा जॉगिंग पे फोकस कर रही हूँ, वॉक पे फोकस कर रही हूँ, ताकि थोड़ा फिट रह सकूँ, और एसिडिटी की मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई है। सो अभी हो चुकी है रात का टाइम और हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया है। आज हमने डिनर में लाइट ही खाना बनाया था, जैसे अरहर की दाल यानी कि पीली दाल जिसे बोलते हैं, और सामक के चावल, क्योंकि आज एकादशी है, निर्जला एकादशी, तो हमारे घर में एकादशी काफ़ी ज़्यादा मतलब मानते हैं। मम्मी का फास्ट रहता है, इधर से लाइट आ रही है, तो हमारी गली में स्पेस में लाइट है, एक लाइट वहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक थोड़ी और आगे पे है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और थोड़ा आप मौसम देख लीजिए, दिख रहा है आपको, मैं आपको बैक कैमरे से पहले थोड़ा मौसम दिखाती हूँ, कितना सुहाना यहाँ पे मौसम हुआ है, बादलों के बीच में यहाँ पे चांद है। तो चलो पहले आप मौसम देख लो, ये देखिएगा आप लोग, आपको मैं भी दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये देखो बादलों के बीच में आपको चांद नजर आ रहा होगा। तो चलो गाइस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जरूर बताऊंगी कि मेरे को रात में ये जो वैक्सीन मैंने लगाई है इसका क्या असर हुआ, क्योंकि अभी तो सिर्फ मेरे को ये हैंड में और एसिडिटी की प्रॉब्लम मेरे को हो रही है, बाकी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी कि क्या मेरे पे और साइड इफेक्ट हुए। तो चलो मिलूंगी बहुत जल्दी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ।